स्थानीय मानसरोवर पार्क में मंगलवार को भी भ्रष्टाचार विरोधी मंच के कार्यकर्ताओं ने अन्ना समर्थन में अपना धरना जारी रखा। इस दौरान अन्ना समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं में मैं अन्ना हूं की टोपी भी पहने हुए थे। इस मौके पर भ्रष्टाचार विरोधी मंच के अध्यक्ष सतपाल सिंह बुधवार ने बताया कि जब तक अन्ना हजारे का अनशन जंतर मंतर पर जारी रहेगा तब तक उनका भी धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जनलोकपाल के द्वारा ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसीलिए सरकार को जनलोकपाल को लाना ही होगा। हम चाहते हैं कि जनलोकपाल बिल आए, जो अन्ना टीम ने बना रखा है वही सिर्फ बिल आए। क्या उससे पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है? उसमें से कम 70% जरूर लग सकता है। अब तक जो सरकार की जो रणनीति रही है, क्या लगता है सरकार इस बिल को बनाना चाहती है या वो कहीं आनाकानी कर रही है? सरकार पूर्ण रूप से जन लोकपाल बिल को नहीं लाना चाहती, क्योंकि उसमें सरकार के बहुत ज़्यादा जो मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट, उनकी उसमें मुसीबत बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। भारत माता की जय। भारत माता की जिंदाबाद।